मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां लौटाऊंगा। ये वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हें खाई में गिरने दूंगा। तो तुम्हारे काबिल नहीं है अनमोल, मेरे होते हुए तुम खुद को तबाह नहीं कर सकते। और जब कोई बंद आंखों से ही नजर आने लगे फिर तो ये वाकई मोहब्बत है। इतनी जगह दी हुई है तुम्हें इस दिन, वहां क्यों नहीं रहते? अनमोल मोहित, अनमोल मोहित नाम है उसका। मैं चेक करवाती हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ किसी और नाम से अपॉइंटमेंट लेती हो। ये अनमोल है। ये कल आई थी, मैं जानती हूँ, किसी और से मालूम करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ इसे, तुम बता सकती हो? हाँ, मेरे सामने ही डॉक्टर साहिबा से बात कर रही थी। डॉक्टर साहिबा ने इसकी बात मानने से मना कर दिया, वो ऐसे काम नहीं करती। मतलब? ये अबॉर्शन करवाना चाहती थी अपना। देखो, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन इस किस्म की बकवास करने की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत तो मुझे है, उसी के लिए इतने हाथ पैर मार रही हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ये डॉक्टर और राजदा के पास आई थी और डॉक्टर साहिबा ने इनको साफ मना कर दिया था। ये बहुत मेहनतें कर रही थी, मैं इनके पीछे पीछे आई थी इनसे बात करने के लिए। ये मेरे सामने सफेद गाड़ी में बैठ के गई है। अनमोल, क्या खाएगी, क्या बनाऊं तेरे लिए? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही, अचानक क्या हुआ? अल्लाह हाफिज़। अरे रुक तो सही, कुछ बता तो सही मुझे। अजीब हरकत है इस लड़की की, पहले तो घंटे भर से औंधे मुंह पड़ी रही, कोई बात तक नहीं की, अब उठ के चल पड़ी है। बंद करके रखती है इस लड़की। बेफिक्र हो जाए अब आप, ये अब आपको कभी तंग नहीं करेगी और ना खुद को। आपने खुद मुझे कहा था कि वो इतने दिनों से परेशान है, जरा सोचिए, हो सकता है ना कि इस परेशानी का ताल्लुक अस्पताल से हो, है ना? और वो जो पैसे हैं किसी को देने के लिए ना लिए हो, बीमारी के इलाज के लिए लिए हो। ये अबॉर्शन करवाना चाहती थी अपना। क्या बात है, कौन से पैसे, कैसी रकम? मैं तुम्हें अब एक आना भी नहीं देने वाली। क्या होगा? तब मैं जिस खौफ के ज़ेरे असर थी अब वो नहीं रहा, और अब तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है फरीद। तुम्हें मोहित से कोई खतरा नहीं, अब मेरी बला से तुम यहीं रहो या भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये तुम क्या कर रही हो, छोड़ो इसे, मुझे बता देती मैं कर देता। तुमने जो करना है वो तो घर की हालत देखकर ही पता चल रहा है, और फजल घर तो ये लगता भी नहीं है। तुम्हारे बगैर ये घर कैसे लगेगा? अब तुम आ गई हो, घर भी लगने लगेगा, और हमारा जब बच्चा आ जाएगा तो फिर
ये घर घर नहीं जन्नत बन जाएगा। वैसे फजल मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह की जात कितनी रहीम व करीम है, एकदम से इतना नवाज देती है। मैं तो मायूस ही हो गई थी अपनी जिंदगी से, मगर देखो एकदम से कितनी खुशियां भर दी है खुदा ने झोली में, तुम भी और हमारा बच्चा भी, है ना। हासिल करने की ख्वाहिश भी नहीं है मुझे, पाना है तुम्हें, पर तुम्हें पाने और हासिल करने में भी फर्क है, वही जो जिंदा रहने में और जीने में होता है। प्यार तो करती नहीं, ना करो, एतबार तो करो। मैं डर गया था, मैं समझा तुम कभी वापस नहीं आओगे। मैंने तो अपनी कहानी तुम्हारे हवाले कर दी, अंजाम जो चाहो कर दो, मुझे तो अपना किरदार निभाना है। मुझे कुछ तुम्हारे साथ करना होता ना तो तुम्हारी आंख खुलने के बाद भी कर सकता, अगर तुम्हारे जागने से पहले कर चुका था मैं जो मुझे करना था। कर चुके थे क्या? किया तुमने मेरे साथ? ये किया था मैंने, तो ये मैं तुम्हारी खुली आंखों के सामने भी कर सकता हूं। संजी कितनी अच्छी लगती हो तुम मेरे घर से, तो मेरे घर की हर चीज से अपनाइयत का इजहार करते हो, अब मुझे बेड से घसीट के उतारते हुए तो और भी अच्छी लगोगी। हांफती भी कोशिश करना आज रात। भाई आप एक दफा खुद से बात करके देख लें, मुझे तो उस शख्स पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है। याद है ना आपको, एक दफा पहले भी उसने गलत बयानी की थी अनमोल भाभी के घर वाली, बाद में मलकियत का दावा झूठा निकला। मोहित भाई मुझे तो अभी भी कोई गड़बड़ लग रही है, मैंने तो साफ साफ कह दिया उसे कि मेरे मोहित भाई नाजायज कब्जे की जमीन छुड़वाते हैं, नाजायज कब्जे करवाते नहीं है। मोहित भाई आप ऐसे तो वो कह रहा था कि इस दफा मामला सही है, लेकिन आप एक दफा खुद बात कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं मोहित भाई सब ठीक है ना? क्या पता चला? मोहित भाई खुदा ना खास्ता कोई फिक्र या डरने वाली बात तो नहीं है ना? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हर किस नहीं हो सकता। क्या क्या
इतनी मोटी मोटी भद्दी उंगलियों से भद्दी भद्दी रोटियां ही बेली जाएंगी। अब मैं उंगलियां कैसे पतली करवाऊं? ये है ही मोटी। जैसे अकल मोटी। कहां हो तुम सुबह से? कोई काम वाम का होश है तुम्हें या नहीं? मोहित के कपड़े आ गए लॉन्ड्री से? वो तो कब के आ गए जी। तो बैठ क्यों गई उन कपड़ों पर? लाके देने थे ना मुझे, मैं संभाल लेती। जाओ लेकर आओ। बाजी मैं जरा ये खाना। तुम बनाओगी खाना? रहने दो, आता भी है कुछ बनाना तुम्हें? जाओ मैं देख लूंगी। सारे कपड़े मेरे कमरे में रख दो, यहां से फारिग होकर मैं रख दूंगी। जाओ। क्या बनाऊं? तू पतली पतली लग रही है या मुझे लग रहा है? मीठे में क्या पसंद है? मुझसे पूछ रही है या मोहित की पसंद पूछ रही है? एक ही बात है। हाँ एक ही बात है। जैसे मेरी पसंद उसकी पसंद होती थी, वैसे ही अब उसकी पसंद मेरी पसंद। सवैयां पसंद है उसे मीठे। पर इलायची के बिना। जी अच्छा। मैं तुमसे कुछ पूछने आई थी लेकिन जवाब साफ साफ तुम्हारे मुंह पे लिखा। वो क्या? ये जो इतना मुंह लटका रखा है, साफ पता चल रहा है कि तुम्हारा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मेहनत की थी मैंने, फल भी अच्छा मिलेगा, नीयत भी साफ थी। लेकिन पता नहीं क्यों मोहित भाई की हालत देख के मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मेहनत, नीयत, मोहब्बत सब धरे के धरे रह जाते सब। प्लीज अपने निकम्मेपन के लिए फजूल दलीलें मत दो। सच कह रहा हूँ, ठीक हुआ है मेरा पेपर। और जानती हूँ मेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? मोहित भाई की वजह से। अब मेरे मोहित भाई परेशान होंगे तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? बताओ क्या हुआ है उन्हें? पता नहीं। और ज्यादा परेशानी भी इस बात की, वो हमेशा मुझे हर बात बताते हैं। पता नहीं इस दफा कौन सी बात उनके दिल को लग गई है, कुछ बता ही नहीं रहे। पता नहीं क्या हुआ है। तो मुझे मोहित भाई के पास लीजिए। तुम ठीक कहते थे, गलत फहमी और उलझन भी कोई रहने की जगह है। मैं जब से इन दोनों की कैद से आजाद हुई हूं, आज एक अरसे बाद खुद को हल्का फुल्का और मुतमईन महसूस कर रही हूं। मगर क्या तुम भी अम्मा की तरह खुद ही महसूस कर लोगे इस तब्दीली को? कैसे बताऊं? कितना मुश्किल होगा कहना कि अगर कहना तो होगा। बताते क्यों नहीं आप मोहित भाई?
बता तो दिया कि हाँ मैं हूँ परेशान, कि परेशान से भी कुछ ज्यादा। वजह तो होगी, बताएं। नहीं बता सकता। मैं जानकर ही रहूंगी। नहीं बता सकता मिशाल, इसरार मत करो। मोहित भाई तो परेशानी कैसे खत्म होगी? उसे तकलीफ की वजह है उसे ही बताऊंगा, उसका जवाब ही इस तकलीफ को खत्म कर सकता है। और वो आप ही हैं, है ना मोहित भाई? मैं बता रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द होने वाला है। आप घर तो जाएं, उन्हें मिले तो सही, बात तो करें उनसे। जाऊंगा, अभी हिम्मत जमा कर रहा हूं। मुझे उससे सवाल करने में डर नहीं लग रहा, उसके जवाब से खौफ आ रहा। छोड़ दे उनसे डरना, आप मान क्यों नहीं लेते कि वो कागजी शेर है और बहुत जल्द हथियार डालने वाली है। हथियार? मैं क्यों उससे जंग तो नहीं लड़ रहा मिशाल, और उसे मुझ पे हथियार उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो भी इतना जान लेवा। मोहित भाई अब आपकी बातों से मुझे परेशानी हो रही है। साफ साफ बताएं आप कौन सा शोशा छोड़ा है उन्हें। नहीं बता सकता, किसी को भी नहीं बता सकता, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत छोटी हो इस बात के लिए। नहीं हूं मैं कोई छोटी वोटी, आपसे बेहतर आपको जानती। मैं जानती हूँ कि आपको तंग करने के लिए फिर से कोई नया। जानता हूँ, ये भी जानता हूँ। मुझे यकीन है कि वो मुझे परेशान करना चाहती है, मुझे तंग करना चाहती है। क्या उसे मुझसे इतनी नफरत है कि मुझे तकलीफ देने के लिए वो इस हद तक जा सकती है? मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकती। देखिए उन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया, बस अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, इससे ज्यादा अब और हो भी क्या सकता है? भाई आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं आपको ये बात नहीं बताना चाह रही। मुझे ज्यादा खुशी होती अगर आप ये बात खुद जानते या आप ही आपको बताते, मगर आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इस बार आप ही ने जो कुछ भी किया है वो उनकी आखिरी हिमाकत होगी, उन्होंने मुझे खुद बताया। तो वो जानती है उसकी ये आखिरी कोशिश, आखिरी बार कितना जानलेवा है। कोई जानलेवा नहीं है, बचकाना होगा जैसे उस दिन की तरह उनकी बातें। पता नहीं उनके दिमाग में कहां से घुस गया कि वो आपको इतना तंग करें, इतना सताएं कि आप खुद इस रिश्ते से बेजार होके चले जाएं। अब जाहिर सी बात है अपने सर इल्जाम लेके अम्मी से डांट थोड़ी ना खानी है उन्होंने। बड़ी समझदार बनती है लेकिन है बच्चों वाली सोच। खैर अब आ गई है उन्हें समझ। बहुत मुश्किल होता है अपनी गलती का एतराफ करना, और ख़ास तौर पर मेरे लिए। लेकिन अपनी पिछली गलतियों का एतराफ नहीं करूंगी। आइंदा होने वाली गलतियों की वजह तुम कैसे समझोगे? हाँ करूंगी, बार बार करूंगी। गलती मान रही हूँ, ये वादा नहीं करी कि दोबारा नहीं करूंगी, मैं वादा करती भी नहीं। वादा तुम जैसे लोग कर सकते हैं मोहित, जो निभाना जानते हो। मुझ जैसे लोग जो अपने गुस्से के आगे बेबस हो, उन्हें वादे नहीं करने चाहिए। गुस्सा वादे भुला देता है। हाँ उस वक्त भी मैं अपने गुस्से के कंट्रोल में थी जब तुम्हारी जिंदगी में दनदनाते हुए आई। माना बुरे तुम नहीं हो, बुरी मैं भी नहीं मोहित। बस वो वक्त बुरा था जब हम मिले। तुम किसी अच्छे वक्त में नहीं मिल सकते थे मुझे?
दिल में मेरे हमेशा वही रहेगा। बर्दाश्त करना होगा तुम्हें, चौकन्ना रहना होगा, मुकम्मल चौकीदारी करनी होगी तुम्हें मेरी, क्योंकि जिंदगी में जब भी वो मेरे मुकाबले आया, जब भी मुझे अपनी मोहब्बत को पाने का मौका मिला, मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी। पता नहीं उनके दिमाग में कहां से घुस गया कि वो आपको इतना तंग करें, इतना सताएं कि आप खुद इस रिश्ते से बेजार होकर चले जाएं। तैयार हूं तुमसे शादी के लिए, इसलिए नहीं कि तुम्हारी लगन और चाहत के आगे हार गई, इसलिए कि मरते आदमी को मुर्दार भी हलाल होता है। गलती मेरी थी अनमोल, मैंने सहरा में से चश्मा फूट जाने का ख्वाब देखा था, और इस ख्वाब का तुम्हें पाबंद ना करता तो तुम इस हद तक ना जाते। गलती मेरी, गलती तुम्हारी है मोहित। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया अपनी हर बात से, हर काम से, फिर मैं क्या करती? मैं गुस्सा नहीं पी सकती ना, गुस्सा हराम होता है ना, और मैं हराम खोर नहीं हूं। मैं भी कितनी पागल हूं, झगड़ा खत्म करना है और उसे इल्जाम देकर नया झगड़ा शुरू करें। ओके, गलती मेरी भी थी, असल बात जानने की कभी कोशिश नहीं की, जो नजर आया उसे ही सच जान लिया। अब एहसास हुआ है कि वो बहुत सी गलत फहमियों की धुन थी जिससे कुछ साफ नजर नहीं आया। तुम इतने भी बुरे नहीं हो, अच्छे हो या नहीं ये जानने में कुछ वक्त लगेगा। क्या तुम मुझे ये वक्त दोगे? मैं तुम्हें जानना चाहती हूं, इसका मौका दोगे? खुद को मुझे अच्छा लगने दोगे? अम्मी ठीक कहती हैं, निकाह का बंधन चाहे कैसे ही हालात में बने इतना कच्चा नहीं होता कि उसे एक झटके से तोड़ दिया जाए। मैंने सब गलतफहमियां, वहम, बदगुमानियां और गुस्से को एक तरफ रख के इस रिश्ते को कुछ वक्त देने का फैसला किया है। शायद, क्या पता, तुम मुझे अच्छे लगने लगो। हम न समझे तेरी नजरों का तकाज़ा क्या है, हम न समझे तेरी नजरों का तकाज़ा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है।
मुझे लगता था शायद कभी किसी दिन तुम्हें अच्छा लगने लगूं, और इस इंतजार में मैंने तुम्हारी नफरत को और जहरीला कर दिया। नहीं, अभी मैं कोई हामी नहीं भर सकता। मोहित भाई खुद तसल्ली करेंगे फिर। तसल्ली किस बात की? मेरे पास पक्के कागजात हैं। वो तो पहले भी थे, फिर क्या हुआ था? देखो, मिल्कियत उसी की होती है जिसके पास कोई सबूत या कागजात हो। चाहे वो जैसे भी बना लिए। हाँ देखो, तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। मैं उस जगह का आगे सौदा कर चुका हूं, आधी रकम मिल चुकी है, करोड़ रुपए बाकी हैं। जब तक मैं उस स्कूल का कब्जा उनको वापस नहीं दूंगा, मुझे मेरी रकम नहीं मिलेगी। जब तुम लोगों का यही काम है तो आनाकानी किस बात की? एक दिन सब्र कर लो ना, कल तक मुझे भाई बता देंगे कि तुम्हारा काम करना है या नहीं करना। अगर भाव बढ़ाने के लिए मामला अटका रहे हो तो मैं 5 लाख और बढ़ा सकता हूं। कहा ना, कल बताएंगे। क्या अभी तक काम वाली नहीं रख के दी उसने तुझे? दावे तो बड़े करके गया था उस दिन। बात करा मेरी, मैं लेती हूं खबर उसकी। कैसे ना पूछूं, अभी मैं हूं तेरे सर पे, मैं तो करूंगी पूछगिछ। मर्द अगर औरत का ध्यान खुद से ना करे ना, तो उसे ध्यान दिलाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बाद में बात करूंगी, अभी मोहित आया। हाँ हाँ ठीक है। बड़ी देर कर दी आज, जल्दी आया कर। अब तू बीवी वाला है, जिस तरह मैं दामाद की खबर ले रही थी ना कि सबिया का ध्यान नहीं रखता, उसी तरह तुझसे भी कहूंगी। शादीशुदा है, अब ये लौंडो लपाडो वाले शुगल छोड़ दे, और उस लीचर दस्तगीर को भी। बीवी को बाहर लेकर जाया कर, घुमाया फिराया कर, वक्त दे उसे। अब वक्त ही कहां है अम्मा? वही तो कह रही हूँ, वक्त निकाला कर उसके लिए। अब आया है तो माँ के घुटने से लग के बैठ गया, जा नीचे जा, वरना वो तेरी मुंह फट बीवी फिर से मुंह भर के कह देगी उस रोज की तरह कि बहू और बेटी में फर्क रखती है। जा शाबाश, जाना अल्लाह अल्लाह करके तो उस अड़ियल घोड़ी का मिजाज दुरुस्त हुआ है। जा कहना चाहते हो? हाँ। मैं भी। कहो। तुम्ही ने तो कहा था कि जब अल्फाज साथ छोड़ दें तो इंसान को खुद ही कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, तो बस समझो मैंने भी कह दिया वो सब कुछ जो मेरे दिल में था।
तुम भी ये समझो कि तुम्हारे दिल की बात मुझ तक पहुंच गई है। मैं कुछ कहूं? क्या तुम्हारे दिल की बात बिना कहे मुझ तक नहीं पहुंच सकती? मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि दिल सवालों के जवाब ढूंढने और पहेलियां बूझने में बड़ा निकम्मा होता है। कैसा सवाल? तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? एक बार नहीं, दो बार, बल्कि कई बार। डॉक्टर राजदा से किस वजह से तुमने अपॉइंटमेंट लिया था? तो तुम वाकई में जासूसी करते हो? नजर रखते हो मुझ पर कि मैं कहां जाती हूं, क्या करती हूं? ऐसा करना पड़ा ना मुझे, तुमसे मुझे कुछ भी नहीं पता लग रहा था। मैं अब तुमसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं, प्लीज मुझे बताओ क्या वजह है, वरना फिर से मुझे खुद वजह तलाश करने की कोशिश करना पड़ेगी। तो जाओ कर लो तलाश, लगा दो मेरे पीछे अपने जासूस, मैं नहीं बताऊंगी। प्लीज प्लीज, देखो मैं बहुत ज़हनी अजाब से गुजर रहा हूं, अगर तुम मुझे वजह नहीं बताओ तो मैं इसी अजाब में जलता रहूं, खत्म हो जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं नहीं बताऊंगी, तुम्हें जो अंदाजा लगाना है लगा लो। अंदाजे? मुझे जो वजह नजर आ रही है वो बहुत तकलीफ दे। प्लीज तुम क्यों कर रही हो इसे? मेरी नफरत में कर रही हो इसे? मैंने तुमसे कभी नफरत की ही नहीं। मोहित यानी तुमने मुझे अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझा, और मैं खुद ही दिल को तसल्ली देता रहा। तो कभी तो तुम मेरी मोहब्बत को दिल लगी समझना छोड़ दोगे? मगर तुम्हारे लिए ये दिल लगी ही रही, तुम्हारे दिल को कभी लगी जो नहीं अनमोल। झूठे निकले तो झूठ कहा था तुमने कि बिना कही बात तुम समझ लोगे। तुम्हारे सामने मिन्नत करता हूं, प्लीज प्लीज मुझे बता दो वहां क्यों गई थी, प्लीज क्यों गई थी? नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि ना बताने का वादा किया है मैंने, और जिंदगी में पहली बार अपना ये वादा निभाना चाहती हूँ। वो डॉक्टर एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, तुम रोज अपना चेकअप कराने उसके पास जा रही थी क्यों? और मुझे मुझे वहां से पता लगा कि तुम अपने बच्चे ना बच्चा क्या? बोलो चुप क्यों? मैं सच जानना चाहता हूँ। क्या सच? कि मैं मां बनने वाली हूं या नहीं? देखो मैं सिर्फ, या फिर ये कि इस बच्चे का बाप कौन है? सब बोलो, अम्मा सुन लेंगी। हाँ तो सुनने दो सबको, सबको बताओ बल्कि जाकर कि कैसी बदकिरदार औरत तुम्हारे हिस्से में आई, जो तुम्हारे निकाह में होते हुए किसी और के। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों? मुझसे नफरत जताने के लिए? सिर्फ मुझसे छुटकारा पाने के लिए? नहीं, इसलिए कि मैं एक बदकिरदार औरत हूं। अपने मुंह पर काले तुम ना अच्छा लगता है मुझे, बस खुश हो गया तुम, पूरा हो गया तुम्हारी जासूसी का शौक, रख लिया ही तुम्हारी जासूसी। जो मेरे साथ वहां तो थोड़ी छोड़ कर ही जा सकती तुम, मैं असल वजह तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। असल वजह यही है कि तुमसे शादी करने के बावजूद मेरे किसी और से ताल्लुक आते, मैं एक बदकिरदार बच्चा औरत हूं। नहीं चुप रहूंगी मैं,
तुम्हें मुझ पर शक करते, मुझ पर नजर रखते, मुझ पर इल्जाम लगाते डर नहीं लगा, तो अब बात पहले से डर क्यों लग रहा है? मैं बताऊंगी सबको, पागल मत बनो, रुको, पागल। सुबह सवेरे लेकर आना है सभिया को, तो तड़के ही निकल जाना। देखती कैसे रोकते हो तुम मुझे? रुक जाओ। ये क्या तमाशा लगा रहे हो? तमाशा तो अब लगेगा, सिर्फ मेरा नहीं आपका भी। अंदर चलो, कहीं नहीं जाती तुम, अपना नहीं तो अपनी माँ का ख्याल कर लो। तुमने ये बात पता चलेगी तो क्या कहेंगी वो? मुझे अब किसी का ख्याल नहीं है, बल्कि अच्छा है कि उन पर तुम्हारी असलियत खुल जाए, मैं खुद बताऊंगी उन्हें। मोहित क्या हुआ, इसे अंदर क्यों नहीं ले जा रहा? हाँ हाँ भेज दे मुझे, भिजवा दे जबरदस्ती। देख ली आपकी भी तरबियत, बड़े दावे करती थी ना आप। अनमोल नहीं 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 नहीं, तरबियत तो मेरी खराब है, ऐसा गंदा काम जो किया है मैंने। तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बताऊंगी जो गंदगी तुमने मुझ पर उछाली है उससे मैं क्यों दागदार हूं, तुम्हारे पसीने क्यों ना आए, सबको बताऊंगी मैं, सबको पता चलना चाहिए, सब धू धू करे तुम्हारे ऊपर कि क्या बीवी मिली है जो किसी और के साथ। मुझ पर हाथ उठा पाना मुझे? हाँ, तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए दोबारा भी मार सकता हूं। बस यही है तुम्हारी बर्बादगी का जोर कि मुझ पर हाथ उठाकर खामोश कराओ, लेकिन मैं चुप नहीं होंगी, नहीं रुकूंगी, या मैं अभी इसी वापस जा रही हूँ। अच्छा तो अपने कमरे में चल, सुबह बात करते हैं। अब कोई बात नहीं होगी, अगर मैं बात करूंगी तो आपका बेटा फिर मुझ पर हाथ उठाकर मुझे खामोश कराएगा, लेकिन तुम मुझे ऐसा मदद से रोक नहीं सकते मोहित। मैं रोकना भी नहीं चाहता, मुझे जाना है तो जाओ। मोहित अगर यहाँ रुकी अम्मा अपना और भी नुकसान करवाएगी, इसे जाने दें ताकि जो कुछ बच गया वो तो बचा ले। जाओ। अच्छा रुक जा, इतनी रात को अकेले तो ना जा। मैं अंधेरे में ही आई थी अकेली। सीधी चपेड़ी मार दी। जान